नमस्कार, स्वागत छे आपनु गुजरात सुपरफास्ट मां। अपनी साथे हूं छु प्रियंका। 14मी जूने सौराष्ट्र अने दक्षिण गुजरात मां भारे वरसादनी आगाही। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी ना कारणे आगामी 5 दिवस रहेशे वरसादी वातावरण। नर्मदाना राजपीपळा मां 3 दिवसना विराम बाद वरसाद पड़ता वातावरण मां ठंडक प्रसरी, रस्ताओ पर फरी वळ्या पाणी। अमरेलीना धारी में धोधमार वरसाद, धारी और खांबा गामों में वरसाद, वावणी लायक वरसाद थी खेडूत आनंद में। छेल्ला 24 कलाक में राज्य 59 तालुका में वरसाद पड़ो। अमरेलीना धारी में 2.8 इंच, माड़िया में 2.7 इंच, वघई में 1.9 इंच वरसाद पड़ो। अमरेलीना राजूला पंथक में सांबेलाधार वरसाद, शहर मुख्य बजारों में पाणी भराया। राजूला की घाणो नदी में घोड़ापुर, घाणो नदी बन्ने कांठे वहती थी। अमरेली जिला में वरसादी माहौल यथावत, राजूला पंथक में फरी वरसाद शुरू, बरबटाणा डूंगर सहित गामों में वरसाद। द्वारकाना जामखंभाड़िया में मेघराजा की जोरदार बैटिंग, जामखंभाड़िया मुख्य रस्ताओ पर पानी फरी वड़िया। राजकोट धोराजी में थी मेघमहर, असह्य गर्मी बाद वरसाद पड़ता लोग अनुभव्य हाशकारो, तो वावणी लायक वरसाद खेडूतों में खुशी की लहर। राजकोटना गोंडल में पवन साथ धोधमार वरसाद, मोविया गोविंदनगर गाम में वरसाद, खेतरो में भराया पानी। सूरत में सतत चौथा दिवसे वरसाद, अठवा लाइन्स, पाले पॉइंट, धुमस रोड सहित विस्तारों में वरसाद, अड़ाजण, रांदेर, ऊना और सीमाड़ा में भारे वरसाद। सूरत जिला ओलपाड़ तालुकाना कीम, ओलपाड़, कुड़सद, परिया सहित विस्तारों में वरसाद पड़ता लोगों ने गर्मी की राहत मिली। तो आ तरफ भरूच में 3 दिवस थी सतत मेघराजा मेहरबान थी रहा है। जिला हांसोल में 1.5 इंच वरसाद, भरूच, अंकलेश्वर, जंबूसर, हांसोड सहित विस्तारों में वरसाद। तेलना डब्बा पानी में तणाया, गोल फरवा माटेना खाली डब्बा होवानु अनुमान, समग्र मामला वीडियो वायरल। गीर सोमनाथ जिला में धोधमार वरसाद, तालाला ने तेनी आसपासना गामों में वरसाद पड़ो, गर्मी और उकड़ाट में लोगों ने राहत मिली। वलसाड जिला में भारे वरसाद थी विजिबिलिटी की समस्या उभी थी, धमाकेदार एंट्री थी रोड पर पानी फरी वड़िया, वातावरण में ठंडक प्रसरी। वलसाड जिला में केड़ाक विस्तार में हलवो वरसाद, एक सप्ताह थी जिला में वरसादी माहौल, वलसाड़वासियों ने गर्मी में मुक्ति मिली। गीरगढ़ा ग्राम्य पंथक में वीजड़ी कड़ाका साथ धोधमार वरसाद, वड़वियाड़ा, जूडवडली, जरगली, शाणावाकिया और गीर आसपास में भारे वरसाद। बोटाद बरवाड़ा में 7 दिवस वरसाद, भीमनाथ, पोलारपुर सहित गामों में वरसाद, धरतीपुत्रों में आनंद। अंबाजी पंथक में वादळछायुं वातावरण छवायुं, वादळछाया वातावरण थी लोगों ने गर्मी थी आंशिक राहत मिली। राज्य में वरसाद साथ वावणी की शुरूआत, कुल 80% विस्तार में वावणी, 708 हेक्टर में डांगर की वावणी की शुरूआत, बाजरी की 77 हेक्टर और मकाई की 61 हेक्टर में वावणी। गीर सोमनाथ खेडूतोए मास्क पहेरीने करी वावणीनी शुरुआत, सोशल डिस्टन्सिंग साथे मगफळीना पाकनुं वावेतर कर्युं। बनासकांठाना वावमां खेडूतोए मामलतदारने आवेदनपत्र आप्युं, पोतानी समस्याओ अंगे आप्युं आवेदन, खेडूतोने तीड सहाय, कृषि सहाय तात्कालिक चुकवानी मांग करी। गीर सोमनाथमां धोधमार वरसादनी मजा माणता सिंह युगलनो वीडियो वायरल, सिंह युगले वरसादना पगले झाड़नो सहारो लीधो, गीरना गामनो वीडियो होवानी शक्यता। कोरोना केस वधता राजस्थान सरकारे राज्य की तमाम सरहदों सील करी, गुजरात राजस्थान की रतनपुर बॉर्डर सील करवामां आवी, पास इश्यू करेला मालवाहक वाहनों ने ज प्रवेश। तो आ तरफ दाहोद सरहद पर सील करवामां आवी, गुजरात ने जोड़ती दाहोद राजस्थान सरकारे सील करी सरहद, झालोदना मोना डूंगर बॉर्डर पर सील करवामां आवी, मालवाहक सिवाय वाहनों पर प्रतिबंध। तो आ तरफ अंबाजी नजीक की छापरी बॉर्डर पर सील करवामां आवी, गुजरात ने राजस्थान की जोड़ती सरहद सील। बनासकांठाना दियोदर में तीडनो आतंक, नोखा, देलवाड़ा, कोटड़ा, वड़िया सहित गामों में तीडनो प्रकोप, 1 किलोमीटर घेराव में तीडनो झूंड फरी वड़ू, फरी तीड देखाता खेडूतो चिंतित थया। बनासकांठानी अमीरगढ़ बॉर्डर पर सील करवामां आवी, अमीरगढ़ बॉर्डर पर पोलिस बंदोबस्त, गुजरात थी राजस्थान जता वाहनों पर बंदी। बनासकांठाना पालनपुर अमदावाद हाईवे पर 5 किलोमीटर लांबी वाहनों की कतारो लागी, पालनपुर थी काणोदर सुधी हाईवे जाम थयो, हाईवे पर समारकाम चालू होवाथी लांबी कतारो। राजस्थान सरकारे गुजरात की बॉर्डर सील करता सिरोही बॉर्डर पर ट्राफिक जाम, हाईवे पर वाहनों की कतारो जोवा मळी। गुजरात में कोरोना वधु 470 पॉजिटिव केस नोंधाया, तो मंगलवार बीजा 33 लोगों मौत थया,
470 नवा केस साथ राज्य में कोरोना आंकड़ो 21,044 पर पहुंचो। अमदावाद में कोरोना नवा 331 केस नोधाया। नवा केस साथ अमदावाद में कोरोना आंकड़ो 14,962 पर पहुंचो। अमदावाद मेडिकल एसोसिएशन प्रमुख मोना देसाई जून में केस वधवा की शक्यता दर्शाई साथ ज गाइडलाइन ने कारण केस न पकड़ाता हो। मेडिकल एसोसिएशन प्रमुखे अमदावाद में बाड़कों में कोरोना केसेस में वधारो थतो होवानुं जणाव्युं साथ ज कह्युं के रोग प्रतिकारक शक्ति न होवाथी 7-15 वर्षना बाड़को वधु संक्रमित। अमदावाद में मास्क न पहेरनारा सामे एएमसी सॉलिड वेस्ट विभागे कार्यवाही करी। कोरोना केस वधता तंत्र सतर्क बन्यु। मास्क न पहेरनार ने 200 रूपियानो दंड। वलसाडना उमरगाम में कोरोना थी एकनुं मौत थयुं। 75 वर्षीय वृद्धनुं कोरोना थी मौत थयुं। दर्दी ने डायाबिटीज नी पण बीमारी हती। सुरेन्द्रनगरना लीमड़ीना पुलिस कोंस्टेबल ने कोरोना। सुरेन्द्रनगर एलसीबी की टीम में बजावता फरज बजावता कोंस्टेबल ने कोरोना। कोंस्टेबल ने सारवार माटे खसेड़ाया। कोरोना महामारी वच्चे टॉसिलीजुमेब इंजेक्शन जीवन रक्षक बन्या। वडोदरा की गोत्री कोविड हॉस्पिटल में टॉसिलीजुमेब इंजेक्शन थी 49 वर्षीय पुलिस जवान और 28 वर्ष नर्स की सारवार कर सफलता मिली। राजकोट में आरोग्य विभाग और हॉस्पिटल वच्चे संकलन नो अभाव। कोरोना दर्दी ने रजा आप्या बाद न कराई आरोग्य विभाग ने जाण। रजा मळ्या बाद अनेक लोकोना संपर्क में आव्यो दर्दी। महुआ में संक्रमण ने लईने तकेदारी नहीं। मास्क वगर घर की बहार निकलता लोग नजरे चढ़या। कोरोना डर वगर बिंदास लोग फरता देखाया। फूड एंड ड्रग्स विभागे दवा सैनिटाइजर लीधेला सैम्पल में सरकारी हॉस्पिटल सैम्पल्स फेल थे। 123 सैम्पल्स में 80 सैम्पल्स फेल थे। 6 महीना में फक्त 123 सैम्पल लेवाया था। धारीना फार्म हाउस में रोकायेला कांग्रेस 18 एमएलए गढ़ड़ा फार्म हाउस में पहुंचा। तमाम ने सौराष्ट्र जोन 18 धारासभ्य गढ़ड़ा पहुंचा। हार्दिक पटेल पण फार्म हाउस में। तो विपक्ष नेता परेश धानाणीए बीटीपी और एनसीपी नो मत मळशे तेवो विश्वास व्यक्त कर्यो। तेमणे जणाव्युं के एनसीपी धारासभ्य गठबंधन निभावशे। आ तरफ कांग्रेस नेता हार्दिक पटेले भाजपना नाराज एमएलए ना मतथी जीत मळवानो दावो कर्यो। भाजपना बे नाराज धारासभ्य अमारा संपर्कमां छे तेवुं निवेदन आप्युं। कांग्रेस की स्थिति मुद्दे जयंत बोस्के प्रहार करता कहूं 2017 में नहोतुं थयुं क्रॉस वोटिंग। एनसीपी नानी पार्टी एटले एना मत ध्यान आवे। तो राज्यसभा चूंटणी ने लईने एनसीपीए वलण स्पष्ट कर्युं। कांग्रेस उम्मीदवार समर्थन करवानो एनसीपी नो दावो। एनसीपी धारासभ्य कांग्रेस ने मत आपशे तेम जणाव्युं। भावनगर में आम आदमी पार्टी द्वारा स्मशान यात्रा काढ़ी विरोध प्रदर्शन करवामां आव्युं। राजकीय पक्षों की राजनीति पर दर्शाव्यो विरोध। मंजूरी वगर कार्यक्रम आपता आपना कार्यकरोनी अटकायत। अमदावाद में पुलिसकर्मी मौत मामले पाटण अखिल ठाकुर समाज समिति अध्यक्ष की चीमकी। मौत की तपास में उच्च तपास कमिटी नीमवानी मांग करी। न्याय न मळे तो उग्र आंदोलन की चीमकी। गुजरात बीजेपी जून महीना में 500 वर्चुअल बैठक सभा ने रेलीओ करशे। आगामी सप्ताह में केन्द्रीय मंत्री और राष्ट्रीय नेताओं की 4 जोन में 4 वर्चुअल रैली आयोजन। विद्यानगर की सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में एबीवीपी धरना। जिला मुजब परीक्षा केन्द्र फाड़वा एबीवीपी की मांग। अगाउ रजूआत बाद पगला न लेवाता धरना। सूरत की नर्मद यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई नो विरोध। 25 जून थी शुरू थशे कॉलेज की परीक्षा। त्यारे परीक्षा की तारीखों लंबावानी मांग साथ विरोध कर्यो। तो विद्यानगर में विरोध करता एनएसयूआई कार्यकरों की अटकायत कर 144 कलम भंग करता कराई अटकायत। मुरारी बापू की कृष्ण भगवान पर टिप्पणी थी जामनगर में करणी सेना एक्शन में। करणी सेनाए कलेक्टर कचेरी आवेदन पत्र पाठव्यू। मोरबी जेतपुर गा में ब्रिजेश मिर्जा विरुद्ध बेनर्स लाग्या। बेनर में ब्रिजेश मिर्जा की प्रवेशबंदी लखाण। ब्रिजेश मिर्जाए राजीनामू आपता मोरबीवासियों में नाराजगी। राजकोट की जेतपुर एपीएमसी में वरसद ने कारण खेडूतों की मगफड़ी पलड़ी। 800 बोरी मगफड़ी पलड़ी जता खेडूतों ने भारे नुकसान। मगफड़ी राखवा की व्यवस्था न होवाथी मगफड़ी पलड़ी होवानो खेडूतों आक्षेप। पाटणना सरहदी विस्तार में देखाया तीड़। सिधाड़ा जामवाड़ा कल्याणपुरा में तीड़ आक्रमण। खेतीवाड़ी विभाग की टीमें तीड़ नियंत्रण दवा छंटकाव कर्यो। बनासकांठा सरहदी गामों में तीड़ प्रकोप। सुई गाम बाद भाभर में तीड़ देखाया। सरहदी गाम में 5मी वक्त तीड़ आक्रमण। लोगों थाड़ी और ढोल वगाड़ी तीड़ भगाड़वानो प्रयास कर्यो। बनासकांठा सरहदी गामों में देखाया तीड़ना झूंड। 1 किलोमीटर घेरावा में तीड़ना झूंड देखाता खेडूतो चिंता में मुकाया। बनासकांठा वड़गाम और पालनपुर में पानी की समस्या। मुकेश्वर डेम और करमावत तड़ाव में नर्मदा पानी नाखवा खेडूतोए जिला कलेक्टर ने आवेदन पत्र आप्यू। हल नहीं आवे तो उग्र आंदोलन की चीमकी उच्चारी।
सूरतना पांडेसरा छत्रपति शाकभाजी मार्केट बंद रहता शाकभाजी विक्रेताओं होबाड़ो बे महीना थी रोजगारी न होवाथी शाकभाजी विक्रेताओं मुश्किल में वेपारी धरना करने चीमकी 80 दिवस बंद अमदावाद कालुपुर शाक मार्केट फरी धमधमतू थयुं सरकार की गाइडलाइन नियमों ने आधीन शाक मार्केट खोलवामां आव्युं शाक मार्केट में प्रवेशता तमाम लोगों स्क्रीनिंग और मास्क फरजियात एएमसी पेंशनर्स की खोटी जाहरातों की अफवा अंगे स्पष्टता पेंशनर्स ने आगामी 15 ऑगस्ट बाद जाण आपवामां आवशे तेम जणाव्युं पेंशनर्स ने नाणा लेवा आववानी खोटी जाहरात वायरल थई हती साबरडेरीए बने जिला पशुपालकों ने 10% भाव फेर चुकवानो निर्णय कर्यो अरवली और साबरकांठा जिला पशुपालकों में खुशी 11 जूने तमाम 1800 दूध सहकारी मंडळीओना बैंक अकाउंट में नाणा चुकवामां आवशे 10% भाव फेर प्रमाणे 292.33 करोड़ रूपया चुकवामां आवशे कोरोना कहर वच्चे मोंघवारी मार पेट्रोल डीजल भाव में फरी वधारो 3 दिवस में पेट्रोल में 1.74 और डीजल में 1.78 रूपया वधारो अमदावाद में पेट्रोल भाव 69.23 रूपया प्रति लीटर राजकोट में पेट्रोल भाव 69.27 रूपया तो वडोदरा में पेट्रोल भाव 68.87 रूपया प्रति लीटर थयो गांधीनगर में पेट्रोल पंप पर सरकारी गाड़ियों में ईंधन न भरवाना पोस्टर्स लाग्या ईंधनना बिल बाकी होवाथी पोस्टर्स लगावामां आव्या 9 जेटली सरकारी गाड़ीना बिल नथी चुकवाया अंत्योदय विकास निगमना चेरमेननुं बिल बाकी अमदावादना सरदारनगर में एटीएसना सिक्रेट ऑपरेशनों वीडियो वायरल थयो शार्पशूटर ज्यां रोकाया हता तेना सर्च ऑपरेशनों वीडियो वायरल थयो वीडियो अंगे तपास शुरू पूर्व मंजूरी विना फ्रंटलाइन आरोग्य कार्यकरों कोरोना टेस्ट थई शके ते माटे जाहिर हितनी अरजी इंडियन मेडिकल एसोसिएशने हाईकोर्ट में अरजी करी 2 जून ठराव पर स्टे मुकवानी रजूआत गुजरात हाईकोर्टे जीएचसीएना प्रमुख यतीन ओझा सामे सुओ मोटो क्रिमिनल कंटेम्प्ट की अरजी दाखिल करी यतीन ओझाए हाईकोर्ट लॉकडाउन समय गैररीति चालती होवानो आक्षेप कर्यो हतो ऊंझा एपीएमसी सेक्रेटरीए वडाप्रधान ने पत्र लख्यो पालनपुर हाईवे 6 मार्गीय बनावता कपाता वृक्ष अटकावानी रजूआत करी जूनागढ़ बाइपास रोड नु काम टले चढ़ता खुद मेयर सीएम ने रजूआत करी 11 किलोमीटर लांबा बाइपास रोड माटे 10 करोड़ की फाड़वणी तेम छता एनएचएआई ना कारणे काम अटकवानो आक्षेप सूरतना वराछा विस्तार में विद्यार्थियों विरोध दारुका कॉलेज में परीक्षा पाछी खेंचाता विरोध करवामां आव्यो परीक्षा ने लईने विद्यार्थीओए धरना शुरू कर्या स्कूलों खुलता शिक्षण कार्य केवी रीते शुरू करवुं ते अंगेनी गाइडलाइन नो ड्राफ्ट एनसीईआरटीए सरकार ने सौंप्यो ड्राफ्ट मुजब ऑड इवन की जेम सप्ताह में 3 दिवस स्कूल जशे बाळको 6 चरण में शुरू थशे अभ्यास राजकोट में सरकारी भर्तीओने लईने युवानो पहोंच्या कलेक्टर कचेरी जीपीएससी एलआरडी सहित आईटीआई की सुपरवाइजर की भर्ती वहली तके करवानी मांग करी भर्ती न थाय तो गांधी चिंदिया मार्गे आंदोलन करवानी चीमकी उच्चारी गांधीनगर स्वर्णिम संकुल में कोरोना संक्रमण ने पगले खास व्यवस्था स्वर्णिम संकुल में लगावाया आधुनिक कैमरा जे प्रवेश समय तापमान चेक करशे धोरण 10 की पूरक परीक्षा जुलाई मस में लेवामां आवशे जुलाई महीना में 1 के 2 विषय में नापास थनारनी परीक्षा लेवाशे गुजरात यूनिवर्सिटी की बीएससी की एडमिशन प्रक्रिया शुरू 15 થી 28 જૂન सुधी ऑनलाइन नोंधणी 30 જૂન सुधी कॉलेज की पसंदगी करी शकाशे 9 જુલાઈએ जाहिर थशे मेरिट लिस्ट राज्य में सोमवार थी शुरू थशे ई लर्निंग टीवी और इंटरनेट ना माध्यम थी शिक्षण आपवामां आवशे प्राथमिक स्कूल ना विद्यार्थियों ने अपाशे शिक्षण बाळको शिक्षण थी वंचित न रही जाय ते माटे लेवायो निर्णय राज्य में पहली बार विद्यार्थियों विना शिक्षण सत्र प्रारंभ नवसारी में 5300 शिक्षकों साथ 900 शाळाना ओरडा खुल्या नवा सत्र पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों घरे पहोंचाड़वानी शुरूआत 13 જૂન सुधी शालाओं में धोरण 9 सुधीनो प्रवेश कामगीरी पाठ्यपुस्तकों वितरण और परिणाम तैयार करने सहित की कामगीरी करवामां आवशे जरूरियात प्रमाण स्टाफ ने शाला में बोलावाशे धोरण 10 માં અમદાવાદના નારણપુરાના ઓટો ગેરેજ ચલાવનારની દીકરીએ મેળવ્યા 84.68% વિધિના માતા પિતા તેના પરિણામથી ખુશ થયા પંચમહાલ નદીસર ગામમાંથી નકલી માર્કશીટ બનાવવાનું કૌભાંડ ઝડપાયું સરકારી આઈટીઆઈ તેમજ ફીડર ટ્રેડના 17 નકલી સર્ટિફિકેટ ઝડપાયા કૌભાંડમાં 2 આરોપીઓની ધરપકડ આરટીઓના દસ્તાવેજોની સમયસીમા વધારવાનો નિર્ણય રાજ્યના વાહન વ્યવહાર વિભાગે લીધો દસ્તાવેજોની સમયસીમા વધારી 30 સપ્ટેમ્બર સુધીની કરાઈ मंदिरों खोलवानी मंजूरी छता पोरबंदरना मंदिरों स्वेच्छाए बंद प्राचीन सुदामा मंदिर सांदीपनीनू श्री हरि मंदिर सहित मंदिरों बंद कोरोना महामारी ना पगले संचालकों नो निर्णय आणंदना खंभात में रालज दरिया किनारे आवेलू शिकोतर माताजीनू मंदिर खोलवा अंगे प्रशासन असमंजस में मंदिर तैयारी करी परंतु मूंझवण ए छे के दर रविवारे हजारों की संख्या में श्रद्धाळु आवता होवाथी व्यवस्था खोरवाई शके छे
भगवान जगन्नाथजी रथयात्रा की तैयारी शुरू। अमदावाद में पुलिस फ्लेग मार्च कर डीसीपी सहित पुलिस अधिकारी जमालपुर कालुपुर और खाड़िया विस्तार में फ्लेग मार्च योजी। अमदावाद प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर खुल्यू। मंदिर खुलता ज भक्तों माता दर्शन कर। मंदिर में दर्शन माटे सोशल डिस्टन्सिंग पालन जरूरी। मंदिर में फूल प्रसाद और श्रीफल नहीं चढ़ा शक। वेलकम बैक। वलसाड़ी दमण ना ई पास साथ दारू भरेलो टेम्पो झड़पायो। पुलिस ने जोईने टेम्पो मुकीने ड्राइवर फरार थयो। वलसाड़ रूरल पुलिस 15,000 नो दारू नो जत्थो झड़पी पाड्यो। सूरतना मांगरोळ मां कार मां आवेला 5 शख्सो एक व्यक्ति पर हुमलो कर्यो। तलवार ना घा मारीने फरार थया। व्यक्ति ने इजा पहोंचता होस्पिटल खसेड़ायो। तापी वन विभागे उकाईना खेरवाड़ा रेन्ज में विस्फोटक पदार्थ साथ शिकारी टोळकी ने झड़पी पाड़ी। 5 शख्सों की पूछपरछ में भूंडो शिकार करवा आव्या होवानुं सामे आव्युं। तमाम सामे गुनो नोंधायो। अमदावादना चांदखेड़ा विस्तार में नागा बावाओना वेश में आवेला गठियाओ चेन स्नेचिंग करीने फरार थया। एक प्रिंसिपाल ने सरनामू पूछवानुं नाटक करी चेन स्नेचिंग करी फरार थया। अरवली जिला शामळाजी पुलिस स्टेशन में करायो 8,54,00,000 रूपया दारूनो नाश। दारूनो नाश करायाना आकाशीय दृश्यों सामे आव्या। पुलिस अधिकारी हाजरी में करायो दारूनो नाश। साबरकांठा एलसीबीए 12,18,000 की किमतन 8 किलोग्राम ड्रग्स झड़पी पाड्यू। आ मामले एलसीबीए हरियाणा बे आरोपियों की धरपकड़ करी। कोर्टे बन्ने आरोपियों ने रिमांड पर मोकल्या। वडोदरा में ब्रांडेड कंपनी ना नामे डुप्लीकेट ऑयल वेचाण ना कौभांड नो एसएसजीए पर्दाफाश कर्यो। ब्रांडेड कंपनियों एंजीन ऑयल डुप्लीकेट करनार शख्सों की धरपकड़। पुलिस 3,34,000 नो मुद्दा माल जप्त कर्यो। बनासकांठा डीसा रसाणा गाम में पुजारी घर में चोरी। तस्करों घरनु ताड़ू तोड़ी 1.70 लाख की चोरी करी। पुलिस वधु तपास हाथ धरी। अमदावाद में हीरावाड़ी विस्तार में कारनो कांच तोड़ीने 1.5 लाख की चोरी करवामां आवी। रूपिया भरेली बेग लेने तस्करों फरार थया। बापूनगर पुलिस स्टेशन में फरियाद नोंधाई। ब्रांडेड कंपनी एंजीन ऑयल डुप्लीकेशन कर बजार में फरतू करनार मास्टरमाइंड झड़पायो। वडोदरा एसओजीए वाड़ी ताईवाड़ा 3 लाख की वधुना मुद्दा माल साथ आरोपी ने झड़पी पाड्यो। મહેસાણા પાટણ અને બનાસકાંઠા જિલ્લામાં કેટલાક વિસ્તારોમાં આવતીકાલે ધરોઈનું પાણી બંધ રહેશે। ધરોઈમાં વીજ કંપનીમાં શટડાઉનમાં પ્રી મોન્સૂન કામગીરીને લઈને પાણી બંધ રહેશે। સવારે 7 થી બપોરના 2 વાગ્યા સુધી પાણી નહીં મળે। ન્યૂઝ 18ના અહેવાલની પડી અસર। હિંમતનગરમાં પોસ્ટ ઓફિસની ભૂલના કારણે લોકોના ચેક રિટર્ન થયા હતા। અહેવાલ બાદ ભોગ બનનાર લોકોને ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ અપાયા। हिम्मतनगर में लोगों ने पोस्ट ऑफिस में मिलेला नाणानो चेक स्टेट बैंके रिटर्न कराया था। एसबीआई और पोस्ट ऑफिस बन्ने एक बीजा ने खो आपी रहा था। आवा कुल 112 लोगों ना चेक रिटर्न थया नो बनाव। खंभात रालच दरिया किनारे आवेलू श्रीकोतर माताजी मंदिर खोलवा अंगे प्रशासन असमंजस में। दर रविवारे हजारों की संख्या में श्रद्धालु आता होवाथी व्यवस्था खोरवाई होवानी आशंका। અરવલીના છાત્રેશ્વરી ગામમાં મનરેગાના કામોમાં પૂરતું વળતર ન મળતું હોવાનો આક્ષેપ। ઘટના બાદ જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખે તડાવી મુલાકાત લઈ સરકાર પર પ્રહાર કર્યા। સુરતના વરાછા વિસ્તારમાં અચાનક જ બાઇકમાં આગ લાગી। આગ લાગવાથી બાઇક બળીને ખાક થયું। આસપાસના લોકોએ પાણી છાંટી આગ બુઝાવી। ગાંધીનગરના ઘર રોડ પર એક્ટિવામાં અચાનક જ આગ લાગી। સેક્ટર 6-7 પાસે અચાનક આગ લાગતા દોડધામ મચી ગઈ। ઘટનામાં કોઈ જાનહાની નહીં। જૂનાગઢના મોનાસ 4 અપાર્ટમેન્ટમાં ઇલેક્ટ્રિક મીટરમાં આગ લાગી। આગ લાગતા પીજીવીસીએલ દ્વારા વીજ પુરવઠો બંધ કરવામાં આવ્યો। ફાયર વિભાગે આગ બુઝાવી। પંચમહાલા હાલોલ પાસે રૂપાપુરા કેનાલમાંથી 2 મૃતદેહ મળી આવ્યા। પતિ પત્નીએ કેનાલમાં કૂદીને આત્મહત્યા કરી। પોલીસે મૃતદેહને પીએમ અર્થે ખસેડ્યા। સુરતમાં રત્નકલાકારે આપઘાત કર્યો। પોતાના ઘરમાં ગળે ફાંસો ખાઈને આપઘાત કર્યો। બેકારીના કારણે પગલું ભર્યાનો પરિવારનો આક્ષેપ। ભાવનગરના નવાપરા વિસ્તારમાં યુવકનો આપઘાત। 38 વર્ષીય યુવાને ગળે ફાંસો ખાઈને જીવન ટૂંકાવ્યું। આપઘાતનું કારણ હજુ પણ અકબંધ। છોટાઉદેપુરના રૂનવાડા ગામમાં દીપડો કુવામાં કાપ્યો। દીપડાને બહાર કાઢવા વન વિભાગનું રેસ્ક્યુ ઓપરેશન। જૂનાગઢના કેશોદમાં ઊંટગાડી પર વીજ લાઇનનો તાર પડતા ઊંટનું મોત। ઊંટગાડી ચાલકનો આબાદ બચાવ। ગુજરાતમાં નિરાધાર પશુઓને પાંજરાપોળ અને ગૌશાળામાં આશ્રય આપવામાં આવે તેવી હાઈકોર્ટમાં પિટિશન કરવામાં આવી। રાજ્ય સરકાર ગૌશાળાને સહાય કરે તેવી રજૂઆત કરાઈ। 19 જૂને હાઈકોર્ટમાં સુનાવણી। પંચમહાલા ઘોગંબાના પરોલી પાસે એક કાર ઝાડ સાથે અથડાઈ। કાર ચાલકે સ્ટિયરિંગ પરથી કાબુ ગુમાવતા કાર ઝાડ સાથે અથડાઈ। કાર ચાલકને ઈજા પહોંચતા હોસ્પિટલ ખસેડાયો। છોટાઉદેપુરના નસવાડીમાં મધ્યપ્રદેશની મહિલાને સ્થાનિક મહિલાએ પ્રસૂતિ કરાવી। ડભોઈથી પતિ સાથે બાઇક પર મધ્યપ્રદેશ જઈ રહેલી મહિલાને પ્રસૂતિ કરાવી।
सिंहनी वस्ती में 29% वधारो थयो। 674 जेटला सिंह नोंधाया था, 5 वर्ष पहला 523 सिंह नोंधाया था। छोटाउदेपुरना रुनवाड़ गामे कूआ में पड़ेला दीपड़ा नु रेस्क्यू करवामां आव्युं। 3 कलाकनी जहमत बाद दीपड़ा ने कूआ में बहार कढ़ायो। दाहोद में गाय ने हड़कवा उपड़ता दौड़धाम, फायर ब्रिगेडे पशुपालन शाखा और गौरक्षा दड़े गाय नु रेस्क्यू कर्यु, गाय ने बेभान कर्यु, ऑब्जर्वेशन में रखाई। गुजरात एटीएसे अमदावादना नारोल सुएज फार्म नजीक 38 लाख नू एमडी ड्रग्स झड़पी पाड्यु। ड्रग्सना जत्था साथे बे आरोपीओ नी धरपकड़। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ना हस्ते अयोध्या में राम मंदिर नू खातमुहूर्त थई शके छे। सूत्रों पासे थी प्राप्त विगतों प्रमाण 2 जुलाई एटले के देवशयनी एकादशी दिवसे अयोध्या में राम मंदिर नू खातमुहूर्त थई शके छे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट तरफ थी प्रधानमंत्री मोदी ने आमंत्रण आपवामां आव्युं। सूत्रों प्रमाणे प्रधानमंत्रीए आमंत्रणनो स्वीकार कर्यो। प्रधानमंत्री कार्यालय तरफ थी आ तारीखने लईने हजु अंतिम जवाब आववानो बाकी। भारत अने चीन वच्चेनो विवाद अंत तरफ। पूर्व लद्दाखमां एलएसी पर 3 पॉइंट परथी चीने सेना 2.5 किलोमीटर पाछी खसेड़ी तो भारते पण सेनाना जवानोनी संख्यामां घटाडो कर्यो। जम्मू कश्मीर शोपियां में सेना और आतंकियों वच्चे अथड़ामण, सेनाए 4 आतंकियों ने ठार कर्या। छेल्ला 2 सप्ताह में 24 आतंकियों ने ठार कराया। पाकिस्तानी अवरचंडाई यथावत, जम्मू कश्मीर पूंछ सेक्टर में पाकिस्तान द्वारा सीजफायर उल्लंघन, मनकोट विस्तार में कर्यु फायरिंग। जम्मू कश्मीर राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान द्वारा सीजफायर उल्लंघन, पाकिस्ताने केटलाक शैल छोड़ा, शैल छोड़ता लोगों घर ने नुकसान पहुंचू। जम्मू कश्मीर राजौरी सेक्टर में लोगों की सुरक्षा माटे बंकर्स बनावानी कामगिरी शुरू। अवारनवार पाकिस्तान द्वारा फायरिंग में अनेक लोग इजाग्रस्त थाय छे। लोगों की सुरक्षा ने जोता बंकर्स बनावानी कामगिरी शुरू कराई। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित सरपंच की हत्या बाद लोगों कैंडल मार्च काढ़ी श्रद्धांजलि आपी। रैली में सैकड़ों लोग जोड़ाया। कोरोना वधता केसेस ना पगले केन्द्र की राज्य ने सलाह, कहूं एम्ब्युलेंस बेड और वेंटिलेटर समझी विचारी उपयोग कराश तो ज मृत्युदर घटाड़ी शकाशे। भारते अत्यार सुधी में कर्या 50 लाख कोरोना टेस्ट। प्रति लाख वस्ती पर भारते 356 टेस्ट कर्या, तेम छता टेस्ट रेटिंग में भारत टॉप 130 में नहीं, भारत रेटिंग में 138 स्थाने। भारत में कोरोना ना कुल 2.74 लाख केस नोंधाया तो कोरोना थी देश में कुल 7719 दर्दियों ना मौत थया। आ उपरांत 1,34,000 थी वधु लोको स्वस्थ थया। महाराष्ट्र में कोरोना आंकड़ो 90,000 ने पार। राज्य में 90,787 केस तो अत्यार सुधी में 3,289 लोगों ना मौत थया। आ उपरांत 42,000 थी वधु लोको साजा थया। महाराष्ट्र में सौथी वधु संक्रमित शहर मुंबई, मुंबई में कोरोना 51,100 केस तो 1,760 लोगों ना मौत। मुंबई पुलिस में अत्यार सुधी में 1,908 लोगों कोरोना संक्रमित थया है तो 21 पुलिसकर्मी मौत थया है, 905 पुलिसकर्मी स्वस्थ थया। तमिलनाडु में कोरोना 34,914 केस तो 307 लोगों ना मौत। आ उपरांत 18,300 थी वधु लोगों कोरोना ने मात आपी। आ तरफ दिल्ली में कोरोना 29,943 केस तो 874 लोगों अत्यार सुधी में मौत निपजे। दिल्ली नायब मुख्यमंत्री कहूं कि 31 जुलाई सुधी दिल्ली में कोरोना आंकड़ो 5 लाख ने क्रॉस कर सके। कोरोना सामे लड़वा 31 जुलाई सुधी 80,000 बेड की जरूर। दिल्ली भाजपे जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करी, लोगों घरे जाइने मोदी सरकार की सिद्धिओ गणावी। मोदी सरकार बीजा कार्यकाल में करेली सिद्धिओ विषे लोगों ने माहितगार कर्या। मार्केट खुलता ज लोगों खरीदी करता थया। दिल्ली की खान मार्केट में लोगों खरीदी करता जोवा मळ्या तो वेपारी और मॉल मालिकों में पण खुशी नो माहौल। दुकानों ने मॉल तो खोलवामां आव्या परंतु दिल्ली में हजू पण केटलीक दुकानों बंद, रस्ताओ सुमसाम जोवा मळ्या तो केटलाक विस्तारों में फरीथी रोड रस्ताओ धमधमता थया छे। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर लोगों की अवरजवर शुरू, आवता जता वाहनों की पुलिस द्वारा सघन तपास। अभिनेता लोगों की मदद माटे आगळ आव्या, उत्तर प्रदेश ना लोगों माटे अमिताभे 6 चार्टर प्लेन बुक कराव्या। दरेक प्लेन में 180 लोगों ने उत्तर प्रदेश मोकलवामां आवशे, तमाम फ्लाइट्स लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी माटे। दिल्ली में आज थी दारू सस्तो थयो, दारू की किमत पर हवे 70% कोरोना टैक्स नहीं लागे। कोरोना टैक्स हटावायो पण 25% वेट लागशे। महत्वनुं छे के 4 मे थी 6 जून सुधी दिल्ली में 304 करोड़ दारू वेचायो हतो। मध्यप्रदेश भोपाल में दारू लेवा माटे वहेली सवारथी ज लोको लाइन में लाग्या। सोशियल डिस्टन्सिंग साथे दारूनुं वेचाण, दारूनी दुकान पर पोलीस बंदोबस्त गोठवायो।
बेंगलुरु में केटलाक होटल और रेस्टोरां आर्थिक परिस्थिति थी पसार थई रह्या छे। सरकारे होटल रेस्टोरां खोलवानी मंजूरी आपी तेम छतां लोको होटल में न आवता होटल मालिकों ने हालाकी। दिल्ली ना भलाशवा डेरी थाना विस्तार में एक व्यक्ति ने मार मारवानी घटना बनी। केटलाक शख्सोए मळीने एक व्यक्ति ने ढोर मार मार्यो। मारामारी की घटना सीसीटीवी में कैद थी। पुलिसे आरोपीओनी धरपकड़ करी। महाराष्ट्रना पुणे में एक 13 वर्षना बाळके गळे फांसो खाईने आत्महत्या करी। बाळकने कार्टून जोवानी ना पाड़ता बाळके जीवन टूंकाव्यु। समग्र मामले पुलिसे तपास हाथ धरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना स्पेशल प्लेन की मदद की कोरोना की जरूरी माल सामग्री मंगावामां आवी। प्लेन मेडिकल किट सहित जरूरी चीज वस्तुओं लईने चौधरी चरण सिंह एरपोर्ट पर पहुंच्यू। हैदराबाद में गांधी होस्पिटल तबीबों होबाड़ो मचाव्यो। होस्पिटल की बहार निकली सैकड़ों की संख्या में तबीबों होबाड़ो मचाव्यो। कोविड पेशेंट परिवारजन एक डॉक्टर ने मार मारता तबीबों होबाड़ो मचाव्यो। एआईएमआईएमए करी चूंटणी लड़वानी जाहेरात। बिहार की 32 विधानसभा सीट पर चूंटणी लड़वानी जाहेरात करी। असमना तीनसुकिया जिलाना वागजन में ऑइल इंडिया क्रूडना कूआ में लागेली आग बेकाबू बनी। मंगलवार की लागेली आग हजू सुधी बेकाबू। घटना में 2 फायर फाइटर मौत थे। कूआ में छेल्ला 14 दिवस की गैस लीक थी रो तेरे मंगलवार लीकेज कारण आग लागी। आग लगता आसपासना 6,000 लोगों ने सुरक्षित स्थाने खसेड़ाया।